आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल जल रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर जाना चाहता है, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू भगवान शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कट वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवदोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में ही बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए, ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, श्रुवा, बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ,
यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मनोरूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल की समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। राजा जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। श्री सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती हैं। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया
और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप बर सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला लिया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए, हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मड़ियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली की रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब प्रकार मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नील मणि को दिकोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हुए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। राजा जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर राजा इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात माता लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में माता सरस्वती और शेष जी भी सकचाते हैं। राजा जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी दोबारा पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था।
भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख माना। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें यहां से लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपकी समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु श्री शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, श्री शिवजी के धनुष को उठा भी न सके। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा लगाकर चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास श्री शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरकर वचन बोले और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलि हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंख के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सुनकर सबको बहुत आनंद हुआ। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और ना है और ना कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा? जिसके राम सरी के पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बरात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए।
राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया और प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर हृदय में आनंदित हो रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावने उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। चौदहों लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मड़ियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिन के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इसमें उसमें नप समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। राजा दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छवीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ
दो पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। माघध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल दिए। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन माता सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। ऋषि वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं।
और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े की शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बनाने से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं, बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और श्री सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे हों, कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पता का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मड़ियां, रत्न, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर
उनकी बख्शिशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। उसके उपरांत पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जन्मासी की ओर लिवाले चले। विलक्षण वस्त्रों के पांवड़े बन रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जन्मासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। देवी सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। देवी सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जन्मासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जन्माशय को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं, पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हटाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उसके उपरांत परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आनंद था वह और बढ़ गया। प्रीति की रीति बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बरात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुरी में अधिक ब्रह्मानंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा हैं।
और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भगवान शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। राजा जनक जी स्नेहवश बार बार देवी सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर प्रसन्न होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। देवी सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बड़ा सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार सब श्रेष्ठ हो गए। लग्न मुहूर्त शोध कर परम पिता ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित श्री सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए।
शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बरात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर परमपिता ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। भगवान शिव जी, परमपिता ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब भगवान शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु श्री शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार श्री शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए माता पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। श्री राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरताव श्याम शरीर है, बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और अत्यंत सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं
जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुण जी भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ा का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमहा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। श्री शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगीं। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में
प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेदध्वनि, बंदिध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुलुध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पांवड़े पड़ रहे हैं और उन्होंने रानी से आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। परमपिता ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके राजा जनक जी और राजा दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यह उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पांवड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक जी राजा दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान राजा जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। उसके उपरांत उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का सभी समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। परमपिता ब्रह्मा, प्रभु श्री विष्णु, भगवान श्री शिव, 10 दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं,
वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। राजा जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने श्री सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां श्री सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेकर के आईं। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर के आईं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वाद देने वाली ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार देवी सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की छवि रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, श्री गणेश जी सब ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम
किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। राजा जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और देवी सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें समार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनेना जी, जनक जी की पटरानी जनक जी की बाई ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी श्री शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणिग्य ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने श्री शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थीं, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को देवी सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जयध्वनि बंदित ध्वनि वेदध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भामरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं।
यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थीं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में प्रसन्न हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश, दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुत मूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना करके सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर
कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण हो गया। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जन्मावशेष को चले, नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। मेरे प्रभु सिया राम जी का विवाह हुआ है, आनंद तो आना ही था। जगत माता जगत पिता का विवाह। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों को सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कट सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे ऐसे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागद तथा भाट सोयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुमार और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गागा कर लौकिक रीति करने लगी। देवी पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और माता सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। उसके उपरांत वर कन्याओं को अब सुंदर सखियां जन्मावशेष को लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए
वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित प्रस्थान किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे हुए रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर राजा जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनती रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गई। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके
उन्हें उत्तम आसन दिए। 400,000 उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए, फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जीवी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए हैं। तब विश्वामित्र जी और श्री सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकचा गए हैं। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा।
उसी समय सूर्यवंशी के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो, हे शयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सड़रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा प्यार बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। श्री जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोष कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात
सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। देवी सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। श्री गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी और बहुत से दान दिए। वे सब बारंबार वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। राजा दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी।